ट्रेन पटना जंक्शन से चलकर गोवा के मदगांव स्टेशन जा रही थी। चित्रकूट उत्तर प्रदेश में वास्को डी गमा पटना एक्सप्रेस शुक्रवार सुबह पटरी से उतर गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 13 जख्मी हो गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ट्रेन के 13 डिब्बे पटरी से उतरे। ट्रेन गोवा के मदगांव स्टेशन से चलकर पटना जा रही थी। हादसा रेलवे ट्रैक की टूटने वजह से हुआ। कहाँ हुआ हादसा? हादसा चित्रकूट के मानिकपुर स्टेशन के पास सुबह करीब 4:18 बजे हुआ। इलाहाबाद से मेडिकल टीम को रवाना किया गया है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने स्थानीय लोगों के हवाले से बताया कि हादसा पटरी के टूटने की वजह से हुआ है। हालांकि चित्रकूट के डीएम शिवाकांत द्विवेदी का कहना है कि हादसे की वजह अभी साफ नहीं है। यूपी में इस साल कब पटरी से उतरी ट्रेन? 7 सितंबर हावड़ा से जबलपुर जा रही शक्तिपुंज एक्सप्रेस का इंजन और 6 डिब्बे सोनभद्र के फपराकुंड स्टेशन के पास पटरी से उतर गए। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। 20 अगस्त यूपी के मुजफ्फरनगर में खतौली रेलवे स्टेशन के पास पूरी हरिद्वार एक्सप्रेस उत्कल एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे में 23 लोगों की मौत हुई है। अब में 1.5 साल में हुए बड़े रेल हादसे। 20 फरवरी 2017 कालिंदी एक्सप्रेस के टुंडला में 12 डिब्बे पटरी से उतरे, 23 की मौत। 20 नवंबर 2016 कानपुर के पास इंदौर पटना एक्सप्रेस हादसा, 121 लोगों की मौत। 20 मार्च 2015 रायबरेली के बजरावा के पास देहरादून वाराणसी एक्सप्रेस हादसा, 32 की मौत। 1 अक्टूबर 2018 गोरखपुर में क्रॉसिंग पर 2 ट्रेनों की आमने सामने टक्कर, 14 की मौत।